पांचवें और छठे श्लोक में हमने देखा प्रभु कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके कलेवर को छोड़ता है वो मुझे ही पाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अस्तित्व का ये सिद्धांत है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंत समय में जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी संवेदना मनुष्य के होते हैं, उसी के रूप अनुरूप दूसरा जन्म होता है। दिस इज हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स। क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझने का हमने प्रयास किया। लेकिन वो प्रयास करने के बाद भी कोई यदि कहे कि आई डोंट बिलीव इन दैट, तो फिर उसको भी सिद्धांत तो यही लागू पड़ेगा। इसमें पर्सनल चॉइसेस को कोई स्थान ही नहीं है। कई बार मैंने भगवद गीता के प्रवचनों में समझाया है कि शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, अस्तु प्रधान शास्त्र और अस्ति प्रधान शास्त्र। अस्ति प्रधान शास्त्र ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा हो, संगीत है, शास्त्र है, लेकिन वो अस्ति प्रधान शास्त्र है। एक ही गीत अलग अलग कलाकार, या तो एक ही कलाकार एक ही गीत को कितने अलग अलग ढंग से गा सकता है। राग एक ही हो लेकिन राग का कोई चुस्त बंधन नहीं होता है। राइट, मैं सही बोल रहा हूं ना? एक ही राग में उसकी रागिणी में अलग 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 परिवर्तन करके कलाकार एक ही राग को विविध रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि वो अस्थि प्रधान। कोई ये नहीं कह सकता कि ये राग तुमने गलत गाया, उसने अपने तरीके से गाया। गीत के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये गीत को ऐसे ही गाओ, कोई दूसरा कलाकार कोई अलग रूप से गा सकता है। काव्य शास्त्र, प्रत्येक कवि अपने संवेदन को अपने रूप से व्यक्त करता है। कला जो है, चित्र, सूर्योदय का चित्र बनाओ, अब आप सबसे मैं कहूं तो आप सब लोग चित्र सूर्योदय का ही बनाओगे, लेकिन किसी का, कोई भी दो लोगों का चित्र एक समान नहीं हो सकता, सबका अलग अलग है, और वो आप सब सही हो उसमें। अस्ति प्रधान शास्त्र है, और कुछ शास्त्र अस्तु प्रधान शास्त्र होते हैं। ये जो संगीत है अस्तु प्रधान शास्त्र, और ये जो है अस्ति प्रधान। अस्ति अर्थात ऐसा ही है, विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अस्ति प्रधान है। गाय के चार पैर होते हैं, अर्थात होते हैं, पीरियड। क्यों होते हैं तो आप रैशनलाइज करने का प्रयास कर सकते हो कि गाय को चलने में सुविधा हो, बैलेंसिंग हो, इसलिए होते हैं। लेकिन कोई कहे मेरी दृष्टि से तेरी दृष्टि काम नहीं करेगी, गाय को चार ही पैर होते हैं, अस्थि प्रधान शास्त्र। गुरुत्वाकर्षण नियम है, पेड़ से टूटकर फल पृथ्वी पर ही आता है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी खींचती है पदार्थों को, यह अस्थि प्रधान शास्त्र है। कोई व्यक्ति कहे कि नो आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसे कहो खजूरी के पेड़ पर तू चढ़, नारियल के पेड़ पर, और वहां से जंप लगा बोलते हुए कि आई डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम देखते हैं तू कहां जाता है। वो कहेगा कि मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता, फिर भी आएगा तो नीचे ही, स्टिल द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल वर्क ऑन हिम। तो कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं, कानून का जो शास्त्र है वो अस्थि प्रधान शास्त्र है। हमारे यहां भारत में रोज रास्ते पर गाड़ियां चलती हैं, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, चलती हैं गाड़ियां, तो वो शास्त्र है, नियम है, वो कानून है। यहां से आप फ्लाइट लेकर के JFK न्यूयॉर्क में उतरो और वहां पर गाड़ी रेंट करके आप चलाना शुरू करो, तो वहां आपको लेफ्ट हैंड में शुरू करना चलाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड ड्राइव करना पड़ेगा। अब आप कहोगे मैं भारत में, तो तू भारत में चलाता था, वहां का कानून था, यहां का कानून ऐसा है, लेकिन ये तो उल्टा है। उल्टा नहीं, ये हमारे यहां का सीधा ये है, अस्ति प्रधान शास्त्र। वहां तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन, तुम्हारी पर्सनल चॉइसेस, लाइक्स डिसलाइक्स, बिलीफ नॉन बिलीफ, ये कुछ काम में नहीं आता। दिस इज हाउ इट वर्क्स, पीरियड।
यहां पर आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अक्षर ब्रह्म योग में जो मृत्यु की तैयारी के बारे में, प्रयाण काल के बारे में, अंत काल के बारे में बात कर रहे हैं, वो अस्थि प्रधान शास्त्र है। अंत काल में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करेगा, दूसरे जन्म में उसको वही शरीर मिलेगा, पीरियड। ये ऐसा ही होता रहा है, हो रहा है और होगा। तो ये लोकतंत्र सब जगह पे नहीं चलता। मैं ये मानता हूं, मैं ये, तुम होते कौन हो मानने वाले? तुम्हारी मान्यता को वैल्यू क्या है? कई बार लोग माय ओपिनियन तू तेरी घरवाली को समझा, तेरे ओपिनियन तेरी घरवाली नहीं मानती, दूसरे को कहां मनाने चला। अस्थि प्रधान शास्त्र।